हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। टायर एक्सपर्ट एडवाइस के आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके दो बेहतरीन टायर सीएट कंपनी की तरफ से, और आज मैं इन दोनों टायर्स का रिव्यू देने वाला हूँ। लेकिन इन दोनों टायर का रिव्यू देने से पहले मैं आपसे बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए डेली न्यू वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और इसी तरह मेहनत करके जो है आपके लिए जो है बेस्ट टायर रिकमेंड करूँगा आपके व्हीकल के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ उसके बारे में, जैसे आप जानते हैं दोनों सीएट कंपनी के टायर से, दोनों फ्रंट के टायर है और दोनों के साइज़ के बारे में मैं बता दूं, दोनों की साइज सेम है, यानी कि 2.75 18। अच्छा, ये पैटर्न के बारे में मैं बात करूं तो इसका पैटर्न का नाम सिक्योर जूम एफ है, इसका पैटर्न का नाम जो है सिक्योर F85 है। और ये जो है ये दोनों ट्यूब टायर है, दोनों फ्रंट के टायर्स है, जिसकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो सबसे पहले जो हम बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हीकल्स के बारे में मैं बता दूं आपको। तो ये जो जो व्हीकल्स में आते हैं उसका नाम है हीरो स्प्लेंडर, हीरो HF डीलक्स, हीरो पैशन एक्सप्रो, हीरो पैशन, होंडा शाइन और महिंद्रा सेंचुरो, सुजुकी हैते और हीरो अचीवर, हीरो ग्लैमर। ये सब व्हीकल्स में जो है ये फ्रंट में दोनों लग के आते हैं, और जो स्पोक व्हील्स वाले होते हैं उनमें जनरली ये लग के आता है, और जो मैक व्हील वाले होते हैं उनके लिए ये लग के आता है। तो चलिए एक एक करके जो है इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जो है 2.75 18 सिक्योर जूम एफ ट्यूब टायर के बारे में हम जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सीट कंपनी का नाम मैंशनड है, यहाँ पे जो है 2.75 18 साइज मैंशनड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर नहीं फ्रंट पैटर्न, यहाँ पे फ्रंट मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स स्पीड 150 की एमपीएच, रोटेशन दिया हुआ है इसका, 4 ply रेटिंग वाले टायर है, दोनों नायलॉन टायर हैं, दोनों में धागे हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है सिक्योर जूम एफ है, इस दोनों की जो मैक्स स्पीड है 150 की एमपीएच है, इसकी मैक्स लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसमें टायर का वारंटी कार्ड दिया होता है, यहाँ पे जो है कंपनी का सील्ड है, यह आप देख सकते हैं ट्यूब और टायर दोनों सील्ड आते हैं ट्यूब के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई हेरा फेरी ना करे और जेन्यून ट्यूब कस्टमर्स तक पहुँचे, यानी कि टायर ट्यूब सेट पहुँचे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ISI मार्किंग है, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर मैंशन है, ये जो है यहाँ पे जो है गोडाउन कोड मैंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं सीएट कंपनी का लोगो, मेड इन इंडिया, 2.75 18 साइज, 42 P, यानी कि फ्रंट वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स स्पीड इसकी 150 की एमपीएच है, और मैक्स लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है ये भी 150 केजीज है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 ply रेटिंग, और ये नायलॉन टायर, यानी कि मैंने बता ही चुका हूँ कि इसमें धागे होते हैं, सिक्योर जूम एफ पैटर्न। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो है बारकोड, यानी कि टायर ओरिजिनल और जेन्यून है, इसका ये प्रूफ है कि ये बारकोड जो है ये मिटाया कट नहीं जा सकता किसी भी हालत में, यानी कि हादसे में मिटा कटा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि टायर के अंदर जो इम्प्रिंट करके आया है ये वो है। तो चलिए अब जो है हम जो है सीएट सिक्योरा F85 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट कंपनी का नाम मेंशन है, मेड इन इंडिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूब भी सीएट की लगी हुई 2.75 18। यहाँ पे आगे जो है देखिए सिक्योरा F85 पैटर्न का नाम दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो है नायलॉन 4 ply रेटिंग वाला टायर है, जिसकी जो है मैक्स स्पीड जो है मैक्स लोड 150 kg, और मैक्स स्पीड भी 150 kg, दोनों ही 150 मैक्स लोड और मैक्स स्पीड, खाली जो है पैटर्न का डिफरेंस है इन दोनों में। और यहाँ पे जो है ये 3 years वारंटी वाला स्टिकर भी दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूँ ये सिक्योर F85 में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है स्टिकर है, इसके अंदर वारंटी कार्ड है, ये सिक्योर F85 पैटर्न का नाम, यहाँ पे जो है टायर ओरिजिनलिटी और जेन्युइनिटी का मार्क, ये जो है ये बार कोड है, प्लस यहाँ पे देखिए ISI मार्किंग है, ये सीरियल नंबर, गोडाउन कोड, सीएट कंपनी का लोगो, यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं मेड इन इंडिया टायर, ये यहाँ पे साइज़ इसकी मेंशन्ड, और ये मैक्स स्पीड 150 kmph, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो चलिए अब हम जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, दोनों टायर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों फ्रंट के टायर हैं, तो दोनों को गलती से भी जो है बैक साइड में फिट ना करवाएं, और क्योंकि अगर आप बैक में फिट कराओगे तो परफॉर्मेंस और व्हीकल दोनों को जो है भारी नुकसान होगा। आगे बढ़ते हुए चलिए हम दोनों की वारंटी की बात करते हैं। तो दोनों की जो वारंटी होगी वो 3 साल की होगी, कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 3.5 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें आप टायर कट बल जब बस्ट होता है तो टायर आपको कंपनी तरफ से रिप्लेस करके मिलता है। वारंटी की एक और एक खास बात बता दूँ, पंचर के अलावा वारंटी होती है, पंचर अगर हो जाता है टायर तो उसकी कोई वारंटी नहीं होती। और दूसरी बात, वारंटी में सिर्फ टायर कवर होता है, ट्यूब कवर नहीं होता, ये बात का खास ख्याल रखिएगा कि वारंटी में सिर्फ टायर कवर होता है, इसी बारे में अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ।
हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होता है, फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे कोड आता है, वो कोड बताने पर आपके मोबाइल पर वारंटी रजिस्टर हो जाती है। तो ये था वारंटी की बात। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूँ कि दोनों की लाइफ है वो 45 to 50,000 किलोमीटर्स है, और ये जो टायर है ये ज़्यादातर मैकविल में फिट होता है, यानी कि अदर देन स्पोक जो होता है मैकविल में ही फिट होता है, ट्यूबलेस या ट्यूब टाइप दोनों में फिट हो जाता है। लेकिन ये जो है बेसिकली स्पोक व्हील में रिकमेंड होता है, क्योंकि स्पोक व्हील में जो है स्पीड कम होती है, लेकिन ये हाई स्पीड्स के लिए बना हुआ है। बेसिकली ये जो है 50 ये 80 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड तक के लिए बना हुआ है, लेकिन ये 80+ किलोमीटर्स की स्पीड आवर्स तक के लिए बना हुआ है, 80+ KMPH के लिए बना हुआ है। और दोनों ही एडवांस पॉलीमर्स है, दोनों की वारंटी बहुत बढ़िया है, अनकंडीशनल वारंटी, यानी कि कट बल जाए बस पर टायर आपको कंपनी की तरफ से रिप्लेस करके मिलेगा। आगे बढ़ते मैं इन दोनों के बारे में लाइफ के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो किलोमीटर्स के हिसाब से हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और एक बात बता दूं कि टायर के एयर प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें, तो दोनों में जो है अगर आपके व्हीकल पे लोड रहता है या फिर किसी भी प्रकार का जो है कमर्शियल यूज़ है, तो आप जो है इसमें फ्रंट में जो है 30 PSI प्रेशर रखें, और अगर आपके व्हीकल पे लोड नहीं रहता है, सिंगल सीट चलते हैं या फिर कमर्शियल यूज़ नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप 25 प्रेशर रखें। और प्रेशर साथ एक और एक बात बता दूं कि ये जो प्रेशर आप रखेंगे इसमें जो है आप नाइट्रोजन एयर फिल्टर करवाएं, जिससे टायर का लाइफ 20 to 25% तक आपको इंक्रीज़ करने मिलेगा, जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियोज़ में ज़रूर बता चुका हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, इसमें मैंने डिटेल में बताया कि नाइट्रोजन एयर के क्या क्या बेनिफिट्स है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, नाइट्रोजन एयर फिल्टर करवा के कैसा लगा, ये टायर्स लगवा के आपको कैसा लगा, अगर आप परचेज डिसीजन लेना तो ये टायर लगवा के आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कोई परचेज डिसीजन ले रहे हैं या फिर टायर्स लेने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको परफेक्ट रिप्लाई दूंगा, यानी कि एक परफेक्ट यानी कि एक्सपर्ट सजेशन दूंगा आपके व्हीकल्स के टायर रिलेटेड। और आप उसके बाद अपना परचेज डिसीजन लेके मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको को कैसा महसूस हुआ जो आपने टायर लगवाया, जिसके बाद में परफॉर्मेंस। और ये भी मुझे बताइएगा कि आपको अगर आपको टायर से रिलेटेड कोई भी Q&A है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई स्पेसिफिक टायर का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, और जो है आपकी जो विशेष है मैं ज़रूर फिलफिल करूँगा। और जाने से पहले एक और एक बात बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, टायर एक्सपर्ट एडवाइस करें जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।